अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर जाबिर बंगश। अच्छा, ये पंचिंग बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी है कि मतलब हम अपने पंचिंग के अंदर स्पीड कैसे पैदा करें, अपने पंचिंग को कैसे पैदा करें, उसके अंदर पावर कैसे लाए, उसके अंदर मतलब परफेक्शन कैसे लाए, कि मतलब हमारा पंच कहाँ जाते। सपोज़ करो हम मतलब कोई पंच करते हैं, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो पंच करते हैं, पंच करने के दौरान फिर पंच को लेट करते हैं। वन, जब आप जितनी स्पीड से आप पंच करोगे, जितनी स्पीड से आप पंच करोगे उतनी स्पीड से आपका पंच वापस आना चाहिए, सही है। मसलन सपोज़ करो मैं ये पोजीशन में हूँ, पहली बात तो ये कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना है, दूसरी बात ये है कि आप उन्हें ब्रीथ अच्छा आउट करना है। ब्रीथ करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, बाकायदा अंदरूनी एक्सरसाइज है उसके लिए। तो जस्ट आपने ये प्रैक्टिस करना है, कैसे मसलन फेस इस तरफ करो, पंच स्टार्ट, अच्छा अब फेस इस तरफ करो, अब स्लो मोशन में करो, 1 2 3 4, सही। अब पंच कर रहे, पंच के साथ अपने बॉडी को मूव कर रहे, साथ में अपर कट कर रहे, फिर हुक पंच कर रहे, ठीक है ना। अपनी बॉडी को लचक, मसलन मैं अगर किसी को पंच मार रहा हूँ, इसके अंदर क्या आदत होती है कि अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मतलब अगर मैं पंच मार रहा हूँ तो अगर पंच ज़रा सा भी ये अपनी बॉडी को आगे पीछे करते तो पंच हमारा जो है वो आगे पीछे चले जाते। सपोज करो मैं इनको पंच कर रहा हूँ, साइड से निकल गया, ठीक है, तो फिर ये पंच कर सकते हैं। इसी तरह फिर पसलू में आपने पंच करने, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 7, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो। तो यहाँ फेस इस तरह करो, स्लो मोशन में करो, आप स्पीड से करो, अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने पंचिंग को बार बार योग माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी स्पीड बढ़ाओ, जितने इसकी स्पीड बढ़ेगी ना उतना आपको पंच के अंदर प्रैक्टिस पैदा होगी। मसलन आपके पास एक छोटा सा कोई बैग लटका हुआ है छोटे, उस बैग पे आपने पंच करने, हल्का सा ये टच होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ज़रूरी नहीं जितना स्पीड से मैं कर रहा हूँ आप भी इतनी स्पीड से करो। मुझे तो 30 साल हो गए, आपने शुरू करने नॉर्मल से 1 2 3 3, इससे आपकी पंचिंग बहुत अच्छी होगी। अल्लाह हाफिज़।